हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एमबीसी यूट्यूब चैनल। तो देखिए गाइस, आप सभी लोग जानते ही हो, मतलब एनवीएसपी पोर्टल माइग्रेट होके voter.eci.gov.in तो ये पोर्टल में परिवर्तित हुआ है। और देखिए गाइस, इसमें अभी बहुत सारा कुछ मतलब सर्विस अवेलेबल है और यहाँ पे एक नया अपडेट आया है और एक नया ऐड कर दिया गया है तो उस पोर्टल में, मतलब ईसीआई पोर्टल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखिए गाइस, इसमें अभी आप लोग अपना वोटर कार्ड, अगर मान लीजिए आपका पहले से एक वोटर कार्ड है और वोटर कार्ड इन केस आपका खो जाता है, तो गाइस आपके पास अगर उस वोटर कार्ड का जेरॉक्स कॉपी भी नहीं है और मोबाइल पर भी नहीं है, कोई भी मतलब प्रूफ नहीं है, आपके पास ईपिक नंबर नहीं है, तो गाइस उसको कैसे आप लोग फिर से निकल सकते हैं? तो देखिए गाइस, वही सर्विस अभी अवेलेबल हुआ है ईसीआई पोर्टल में। तो अभी मैं ये कंप्लीट आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और कैसे मतलब अपना खोया हुआ वोटर कार्ड डाउनलोड करना है, कैसे मतलब व्यू डिटेल्स आप लोग सारा कुछ चेक कर सकते हो। बट इसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक भी नहीं है तो गाइस आप लोग लिंक करके भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो पर बने रहिए गाइस, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। अभी मैं स्क्रीन पर जाता हूँ और आप लोगों को कंप्लीट दिखाऊंगा, आप लोग भी सीख जाएंगे। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, आप सभी लोग जानते ही हो, मतलब वोटर सर्विस पोर्टल, ये नया एक पोर्टल आया है गवर्नमेंट की तरफ से। और इस पोर्टल में देखिए गाइस बहुत सारा कुछ होता है, आप लोग नया वोटर कार्ड बना सकते हो, नए वोटर कार्ड को करेक्शन कर सकते हो और उसके बाद में देखिए गाइस हमें वोटर कार्ड को एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्टिंग कर सकते हो, ये वाला है। और उसके बाद में देखिए गाइस ऑब्जेक्शन आप लोग सदा के लिए डिलीट कर सकते हो अपना वोटर कार्ड। और उसके बाद में अगर आपका आधार कार्ड और वोटर कार्ड लिंक नहीं हुआ है और मोबाइल नंबर लिंक नहीं हुआ है तो गाइस आप लोग देखिए हमें आधार कलेक्शन है, तो फिल फ्रॉम 6B टू गेट आधार एंड ईपिक, मतलब आधार और वोटर कार्ड नंबर हमें आप लोग लिंक कर सकते हो यहाँ से और आपका मोबाइल नंबर भी हमें लिंक हो जाएगा। अभी देखिए गाइस, मजेदार का बात ये है, हमें आप लोग देख सकते हो सर्च इन इलेक्टोरल रूल पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद में देखिए गाइस आपका अगर वोटर कार्ड है तो गाइस वोटर कार्ड को आप लोग हमें सिंपली अपना स्टेट सेलेक्ट करके, जो भी है आपका स्टेट वो सेलेक्ट करके, और हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करके, हमें जो भी है फर्स्ट नेम लास्ट नेम और हमें डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद में हमें देखिए एज आपका आयु, मतलब ये सब कुछ दे के आप लोग इजिली हमें सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट और हमें योर एसी, तो गाइस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब यहाँ में सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में ये कैप्चर यहाँ में देखे वेरीफाई कर देना है, उसके बाद में सर्च पर क्लिक कर देने के बाद में आपका वोटर कार्ड का सारा डिटेल्स ये हमें शो हो जाएगा। एक तो ये था, मतलब पहले से ही था ये, और ये इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। बट यह में आप लोग देख सकते हो सर्च बाय ईपिक, यहाँ में भी मतलब आप लोग सिंपली अपना जो भी है वोटर कार्ड का नंबर यहाँ में देके और हमें स्टेट सेलेक्ट करके और ये सिंपली ये कैप्चर यहाँ में सिंपली देके और वेरीफाई पर क्लिक करके, यहाँ में सर्च पर क्लिक करके आप लोग सब कुछ हमें ईपिक का डिटेल्स मतलब वोटर कार्ड का डिटेल्स निकाल सकते हो। तो गाइस एक नया अपडेट देखिए गाइस, मोबाइल द्वारा खोजे, मतलब सर्च बाय मोबाइल, मतलब मोबाइल नंबर से आप लोग सर्च कर सकते हो और आपका वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए तभी जाके आप लोग ये सर्विस का फायदा उठा सकते हो। सर्च बाय मोबाइल पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है और बहुत ही बढ़िया है, हमें आपका स्टेट जो भी है सिलेक्ट करना है, मान लीजिए मैं असम से हूँ तो असम पर सिंपली क्लिक कर देना है, अगर आप लोग किसी भी स्टेट से हो अपना हिसाब से करना। और ये हमें सेलेक्ट लैंग्वेज है, लैंग्वेज पर सिंपली आप लोग अपना हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो सिंपली लैंग्वेज सेलेक्ट करिए और उसके बाद में देखिए गाइस यहाँ में मोबाइल नंबर दे देना है, तो गाइस आप लोग अपना हिसाब से मोबाइल नंबर दे दीजिए और उसके बाद में ओटीपी एक जाएगा वो मोबाइल नंबर पर, और ओटीपी हमें सिंपली वेरीफाई कर देना है, हमें वेरीफाई ओटीपी पर जाके और हमें सिंपली एक कैप्चर हमें देखे ये भी वेरीफाई कर देना है, उसके बाद में सर्च पर क्लिक कर देना है। तो देखिए गाइस मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को लाइव प्रूफ किस तरीके से हमें आपका डिटेल्स शो हो जाएगा मोबाइल नंबर से। बट आपका मतलब वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर पहले से लिंक होना चाहिए तभी जाके आप लोग इसका फायदा उठा सकते हो। तो देख सकते हो गाइस हमें मोबाइल नंबर देने के बाद में मोबाइल नंबर पर ओटीपी एक जाएगा और ओटीपी जाने के बाद में आपको ओटीपी सिंपली दे देना है और उसके बाद में वेरीफाइड ओटीपी पर क्लिक कर देना है और वेरीफाइड ओटीपी पर क्लिक कर देने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का शो होगा
और सिंपली नीचे जाना है और ये हमें कैप्चर है जैसा है वैसे ही आपको यहाँ फिलअप कर देना है। उसके बाद में हमें वेरीफाइड पर क्लिक कर देना है, उसके बाद में कैप्चर भी वेरीफाइड हो जाएगा और सर्च पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो सर्च पर क्लिक कर देने के बाद में देखिए गाइस अभी आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। अभी हमें आपका वोटर कार्ड का सारा कुछ डिटेल शो हो जाएगा और नाम वगैरह वगैरह शो हो जाएगा और ये हमें देख सकते हो व्यू डिटेल्स है। तो गाइस व्यू डिटेल्स पर जाके आप लोग वोटर कार्ड का डिटेल्स चेक कर सकते हो। उसके बाद में दो नंबर में ये भी मतलब दो वोटर कार्ड एक्टिव है इस मोबाइल नंबर पर और हमें दोनों का ही आप लोग मतलब व्यू डिटेल्स प्रिंट करके रख सकते हो, मतलब आप लोग कार्ड बना सकते हो वोटर कार्ड। तो गाइस अगर आपका भी मतलब वोटर कार्ड खो चुका है और आपको मतलब मालूम नहीं है आपका वोटर कार्ड का नंबर क्या था और आपके पास जेरॉक्स कॉपी भी नहीं है, तो गाइस आपका मोबाइल नंबर लिंक है अगर वोटर कार्ड में, तो गाइस खो जाने से भी आप लोग इजीली मोबाइल नंबर से अपना वोटर कार्ड का सारा कुछ डिटेल्स निकाल सकते हो। तो ये नया एक ऐड हुआ है, आप लोगों को ये कैसा लगा गाइस ये सर्विस? अगर आपको अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।